हेलो एवरीवन, तुहाडे सारयां दा स्वागत है जी तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल इट्स जीके गुरुजी ते। हाँ जी साथियों, जिवें कि तुहानू सारयां नू पता होवेगा कि आपां इस चैनल ते वार्ड अटेंडेंट दे एग्जाम दे लई होम बेस्ड केयर अते होस्पिटल बेस्ड केयर दी इंपोर्टेंट MCQ दी सीरीज़ स्टार्ट कीती हुई है। अज दी वीडियो जिहड़े साथी साडे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे ने ते जिहड़े पहलां तों साडे नाल जुड़े हुए ने उहनां लई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होवेगी, क्योंकि अज दी क्लास रिविजन क्लास रहण वाली है जी, क्योंकि नाल दे नाल रिविजन करनी भी बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। इस क्लास विच टॉप 80 MCQ कराए जाएंगे। तुसी इस क्लास तो अपना लेवल चेक कर सकते हो कि किन्ना कु तुहानू याद है। वीडियो नू शुरू करन तो पहला जिहड़े भी साथी साडे चैनल ते पहली बार चैनल ते विजिट कर रहे ने, वीडियो वेख रहे ने, वो चैनल नू जरूर सबसक्राइब कर लो ते नाल लगे बैल आइकन नू भी प्रेस कर लैन, जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नवीं वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम नाल मिलती रहेगी। हाँ जी, वीडियो जेकर तुहानू चंगी लगे तो वीडियो नू लाइक करो तो ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल शेयर करो। हाँ जी, शुरू करते हैं जी आज की वीडियो नू। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है, हेठ दित्तियां ड्यूटीज़ विचों केड़ी एक वार्ड अटेंडेंट की सब तो जरूरी ड्यूटी है। चार ऑप्शन ने साडे कोल। फर्स्ट दिता जी, मरीज़ बारे जानकारी प्राप्त करना। सैकेंड ऑप्शन दिता हुआ है, मरीज़ नू जरूरी दवाइयां दी सुविधा देनी। थर्ड ऑप्शन हैगा जी, खतरे प्रति जाणू रहना। तो फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी फ्रेंड, इस तरह के ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन तुहानू दिते जाणगे। हुण इस विच जिहड़ा करैक्ट आंसर अपना हो जाता है वह हो जाता है जी ऑप्शन नंबर सी, खतरे प्रति जाणू रहना। हाँ जी, सब तो ढुकवा आंसर अपना हैगा खतरे प्रति जाणू रहना। एक वार्ड अटेंडेंट नू खतरे प्रति जाणू रहना बहुत ही जरूरी है। बाकी भी ड्यूटी जरूरिया ने, जिमें कि मरीज़ बारे जानकारी प्राप्त करना, मरीज़ नू जरूरी दवाइया की सुविधा देनी, पर इसका जिहड़ा ढुकवा आंसर बनता है वह बनता है जी खतरे प्रति जाणू रहना। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना सैकेंड क्वेश्चन दिता हुआ है, जदों किसी व्यक्ति एक्सीडेंट जां होर चोट राही छोटा जिहा कट पै जावे तां तुसीं की करोगे। हाँ जी, आपां दसना है कि कोई व्यक्ति जां पीड़ित नूं एक्सीडेंट नाल शरीर विच किते भी कट पै जावे तां इस नूं आपां किस तरह ठीक कर सकते हैं। तां चार ऑप्शन दिते हुए ने। फस्ट हैगा जी, जख्म नूं पानी ते सोप नाल धो के उस नूं पट्टी नाल कवर करोगे। सैकेंड ऑप्शन हैगा है, सिर्फ पट्टी नाल जख्म नूं कवर करोगे। थर्ड ऑप्शन हैगा जी, रू या कोटन नाल साफ करोगे। तो फोर्थ ऑप्शन दिता है बी अते सी, यानी कि पहला सिर्फ पट्टी नाल जख्म नूं कवर करोगे तो रू नाल साफ करोगे। तो इसका जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट, अपना जख्म नूं पहला आपां चंगी तरह पानी या सोफ या फिर डिटोल नाल धोवांगे, उस तों बाद उस ते आपां पट्टी करांगे तां जो किसी तरह का भी इनफेक्शन जिहड़ा ना होवे। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वल। अपना नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है जी, फर्स्ट एड प्रदान करने वाला हुंदा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैगा कि फर्स्ट एड प्रदान करने वाला कौन हुंदा है। फर्स्ट ऑप्शन दिता हुआ है डॉक्टर, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी नर्स, थर्ड ऑप्शन हैगा कोई भी व्यक्ति महिला जो उस वेले पीड़ित की मदद करे, तो फोर्थ हैगा जी वार्ड अटेंडेंट। तो इसका जिहड़ा ढुकवा आंसर हो जाता अपना वह हो जाता जी ऑप्शन नंबर सी, कोई भी व्यक्ति जां महिला या फिर मित्र दोस्त रिश्तेदार जिहड़ा कि पीड़ित की मदद करे वो अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। उसनों आपां फस्ट एड प्रदान करने वाला कहिंदे हाँ, क्योंकि देखो तुसी इहदे विच ऑप्शन फस्ट दिता है डॉक्टर ते सैकेंड एक है नर्स, ये दोवें फस्ट एडर च नहीं आते। इस गल का तुसी ध्यान रखना है, फस्ट एडर च वार्ड अटेंडेंट आ जाता है, पर इसका जिहड़ा करैक्ट आंसर बन रहा है वह हैगा जी ऑप्शन नंबर सी कि कोई भी व्यक्ति जो महिला या व्यक्ति जां महिला जो उस वेले पीड़ित की मदद करे, यानी कि हर एक नूं फस्ट एड बारे पता होना चाहिए। तो इसका करैक्ट आंसर जिहड़ा अपना बन जाता है ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के क्वेश्चन पा के तुहाडा जिहड़ा IQ चेक करनगे। नैक्सट क्वेश्चन वल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, फस्ट एड बारे जानकारी होनी चाहिए है। हाँ जी, फस्ट एड बारे जानकारी किनू होनी चाहिए है। फस्ट दिता है डॉक्टर नू, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी वार्ड अटेंडेंट नू, थर्ड ऑप्शन हैगा नर्स नू, ते फोर्थ हैगा जी हरेक नू।
हुणे आपां करके हटियां कि फर्स्ट एड बारे जानकारी जिहड़ी हरेक नूं होनी चाहीदी है। तां इस क्वेश्चन दा ऑप्शन नंबर डी जिहड़ा आपणा करैक्ट हो जांदा है। तो फिर तो रिपीट कर देना कि डॉक्टर ते नर्स ये जिहड़े वार्ड सॉरी फर्स्ट एडर च नहीं आते, इस गल का तुसीं विशेष ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पांच दिता हुआ जी, फर्स्ट एड का परपज़ की होंदा है। हाँ जी, फर्स्ट एड का परपज़ की होंदा है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन ने अपने को, फर्स्ट हैगा जी जीवन नूं कायम रखने लई, सैकेंड ऑप्शन हैगा दुख नूं रोकने लई, थर्ड हैगा जी जल्दी रिकवरी नूं उत्साह करन दे लई, ते फोर्थ हैगा उपरोक्त सारे। हाँ जी, फर्स्ट एड का परपज़ होंदा जी जीवन नूं कायम रखने दे लई भी, दुख नूं रोकने दे लई भी। जेकर तुसी किसी पीड़ित नूं फर्स्ट एड दे रहे हो तो उसका दुख जिहड़ा दर्द कम हो जाएगा। थर्ड हैगा जी जल्दी रिकवरी ते उत्साह करन दे, यानी कि तुसी जे किसी पीड़ित नूं फर्स्ट एड दे रहे हो तो तुसी उसका उत्साह बढ़ाओगे कि तुसी जल्दी ठीक हो जावेंगे, कोई वड्डी चोट नहीं लगी थोनू, तो इस तरह उसका उत्साह बढ़ा के तुसी भी उसकी जल्दी रिकवरी लई उहनू उत्साह कर सकते हो। तो इसका करैक्ट आंसर बन जाता जी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सारे, कि फर्स्ट एड का परपज़ की होंदा है, जीवन नूं कायम रखना, दुख नूं रोकने लई, जल्दी रिकवरी नूं उत्साहित करन दे लई। तो इसका अपना ऑप्शन नंबर डी करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन दे लई। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, हादसे नाल निपटन तो पहला की करना जरूरी है। हाँ जी, जेकर तुसी एक फर्स्ट एडर हो तो जो कोई हादसा हो जाता है उत्थे रोगी तो नाल उहदे नाल निपटन दे लई तुसी की पहला अपनियां सावधानियां वरतोंगे। तो फर्स्ट दिता जी मास्क पहनना, सैकेंड हैगा जी दस्ताने पहनना, थर्ड ऑप्शन हैगा सिर कवर करना ते एपरन पाउणा, ते फोर्थ हैगा जी उपरोक्त सारे। हाँ जी, इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सारे, यानी कि आप जो हादसे नाल निपटन तो पहला की करांगे। जो आप कोई वड्डा एक्सीडेंट जां हो जाता जी हादसा, तो आप सब तो पहला अपना मास्क पहनांगे, क्योंकि हो सकता आप कोई चीज़ खा रहे हों तो वो बैक्टीरिया के नाल जो रोगी इन्फेक्शन हो जाए नुकसान हो जाए। तो सैकेंड हैगा जी ग्लव्स पहनना कि वो अपने मतलब लहू वगैरह ना लग जाए, तो ये भी जरूरी हैगा। थर्ड हैगा सिर कवर करना तो एपरन पाउणा, हाँ जी आ भी जरूरी हैगा। तो इस करके अपना जिहड़ा करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सारे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन बनता है जी, हादसे नाल निपटन समय की कुछ नहीं करना चाहिए। हम क्वेश्चन तुसी ध्यान नाल पढ़ना है, पहले विच दिता सी की कुछ करना चाहिए, इस विच दिता की कुछ आपू नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन दिता जी दवाई नहीं दे सकते। हाँ जी, अपनी मर्जी के नाल जिहड़े उस टाइम रोगी नूं दवाई नहीं दे सकते कि जिहड़ी फलानी दवाई तुसी खा लो तो ठीक हो जाएगी, मतलब कि आपां खुद ही डॉक्टर नहीं बनना। सैकेंड ऑप्शन भी इस नाल दा हैगा कि टीका नहीं लाउणा, कि आपां रोगी नूं वेख के एवें ही टीका ला दईए कि टीके नाल ठीक हो जाएगा, तो आ भी गलत हैगा। थर्ड दिता जी मृतक घोषित नहीं कर सकते। हाँ जी, आ भी ऑप्शन बनता है कि आपां किसी भी रोगी जां पीड़ित नूं अगर उहदा साह रुक भी गया होवे तां आपां नूं जिहड़ा मरिया होया घोषित नहीं कर सकते। हुण की हुंदा जी, डॉक्टरां कोल मशीनां हुंदियां ने जिस दे नाल उहनूं साह भी दवाया जा सकता है, यानी कि आपां मरन तो पहलां उहनूं इस अवस्था विच वेख के एवें नहीं कह सकते कि उह मर चुके है। ऑप्शन डी हैगा जी उपरोक्त गल्लां नूं ध्यान विच रखना चाहिए। हाँ जी, ये ऑप्शन अपना करैक्ट हो जाएगा कि हादसे नाल निपटन समय की कुछ नहीं करना चाहिए, तो यह सारा कुछ आपां नहीं करना चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, हेठ लिखियां विचों कौन एक फर्स्ट एडर है। हाँ जी, आ क्वेश्चन मैं तुहानूं पहलां भी दस्या सी, चार ऑप्शन ने, फर्स्ट दिता जी डॉक्टर, थर्ड ऑप्शन हैगा नर्स सॉरी सैकेंड ऑप्शन हैगा नर्स, थर्ड ऑप्शन दिता है वार्ड अटेंडेंट, तो फोर्थ हैगा नन ऑफ दीस। इस क्वेश्चन का आंसर जिहड़ा तुसी कमेंट बॉक्स में दसना है कि हेठ लिखियां विचों कौन एक फर्स्ट एडर नहीं है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। सॉरी, फिर तो रिपीट कर देने, क्वेश्चन मैं गलत रीड करता, क्वेश्चन दिता हुआ हेठ लिखियां विचों कौन एक फर्स्ट एडर है, तुसी दसना है कि इन्हां चार ऑप्शनों विचों कौन एक फर्स्ट एडर है।
नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, फस्ट एड के प्रिंसीपल फोर सीज तो की भाव है, यानी कि चार सी तो की भाव हों फस्ट एड के प्रिंसीपल विच। तो फस्ट ऑप्शन दिता जी कॉल फॉर हैल्प, यानी कि मदद ले कॉल करनी, जेकर तुसी किसी पीड़ित या रोगी के कोल पहुँचे हो, जेकर तुसी कल्ले हो उसकी मदद नहीं कर सकते तो तुहानू की है मदद ले कॉल करनी चाहिए। सैकेंड दिता जी कामली टाक टेक चार्ज, यानी कि तुसी शांति दे नाल चार्ज लेना, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी। थर्ड दिता जी चेक द सीन एंड द कॉजलिटी, यानी कि कार्य कुशलता के नाल तुसी सारा कुछ वेखना है पहला तो काम करना है। फोर्थ है जी केयरफुली अप्लाई फस्ट एड, यानी कि तुसी सावधानी नाल उन्हों फस्ट एड देनी है। ऑप्शन ई दिता है जी अबब आल दी अबब, यानी कि ए उत्ते दिते सारे। तो फस्ट एड के प्रिंसीपल विच फोर सीज का आई मतलब होंगे चार सीज का की मतलब होंगे जी कि मदद ले कॉल करनी, शांति नाल चार्ज लेना उहदा, तो कार्य कुशलता दे नाल उहदा देखभाल करनी उहदी। तो फोर्थ है जी आपां केयरफुली उहदे उत्ते फस्ट एड जिहड़ी अप्लाई करनी। तो इसका करैक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी ऑप्शन नंबर ई। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ है हादसे नाल निपटन वेले हेठ लिखे विचों किहड़ा एक्शन एक वार्ड अटेंडेंट जां फस्ट एडर नूं नहीं करना चाहिदा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी कि हादसे दे नाल निपटन वेले किहड़ा एक्शन जिहड़ा क्रिया तुसी एक वार्ड अटेंडेंट होण दे नाते या फिर एक फस्ट एडर होण दे नाते नहीं करनी। फस्ट हैगा जी स्थिति का मुलांकन, हाँ जी आ तां करना जरूरी हैगा। सैकेंड ऑप्शन है हादसे का मुलांकन, आ भी करना जरूरी है। थर्ड ऑप्शन दिता जी पीड़ित की हालत वेख के घबरा जाना, आ बिल्कुल गलत है जी, यानी कि यही ऑप्शन अपना करैक्ट हो जाएगा। फोर्थ वेख लें, फोर्थ है जी अपने अते मरीज की सुरक्षा करनी, आ भी सही है। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीड़ित की हालत वेख के अपन घबराना नहीं और हौसला बजाई करना। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है एक चंगे फस्ट एडर की जिम्मेवारियां होंदिया ने। यह क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है। अपना जिम्मेवारियां दसनिया कि एक चंगे फस्ट एडर होने दे की जिम्मेवारियां ने। फस्ट ऑप्शन दिता जी किसी स्थिति की जल्दी और सुरक्षित ढंग नाल मुलांकण करना, उचित मदद की मंग करना, हाँ जी ये भी जरूरी है। सैकेंड दिता जी एक समझदार तरीके नाल छेती अते टुकवां इलाज करना, हाँ जी ऑप्शन बी भी सही है। थर्ड दिता जी सट दे पत्थर जां बीमारी दे सुझाव सॉरी सुभाव दी पछाण करना जो हादसे पीड़ित नूं प्रभावित करती है, तो ऑप्शन सी भी अपना सही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अपना हो जाएगा जी उपरोक्त सारी, यानी कि इन्हां गल्लां दा आपां नूं ध्यान रखना चाहिए। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हाँ। नैक्सट क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा जी डी डॉक्टर ए बी सी विच अखर बी तो तुहाडा की भाव है, हाँ जी डॉक्टर ए बी सी विच अखर तो तुहाडा की भाव है। ये एक डबल्यू एच ओ की फस्ट एड विच टर्म दिती हुंदी है जी डॉक्टर ए बी सी। इस विच आपां दसना कि अखर बी का की भाव है। चार ऑप्शन ने बैलेंस ब्रेक ब्रीथिंग ते बैकबोर, हाँ जी इस विच अखर बी का मतलब हुंदा जी ब्रीथिंग। हुण आपां फुल फॉर्म वाल चलते हाँ कि डॉक्टर ए बी सी की फुल फॉर्म की होंदी है जी। एस की फुल फॉर्म होंदी है जी टी का मतलब होंदा है जी डेंजर, यानी कि खतरे बारे जानकारी लेनी। आर का रिस्पोंस चैक करना कि पीड़ित का रिस्पोंस की हैगा जी। ए का मतलब एयरवे उहदा चैक करना कि मूँह खुला है जां बंद हैगा। बी का मतलब होंदा जी ब्रीथिंग उहदा सांस चैक करना, दिल की धड़कन वगैरह चैक करना। तो सी का मतलब होंगे जी सर्कुलेशन, उनका सर्कुलेशन आप चेक करना। आ फुल फॉर्म होंगी जी डॉक्टर ए बी सी की, फिर तो रिपीट कर देने। डी का मतलब डेंजर, आर का मतलब रिस्पोंस, ए का मतलब एयरवे, बी का मतलब ब्रीथिंग, सी का मतलब सर्कुलेशन। हाँ जी अज के लास्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिता हुआ जी तुसी एक हादसे नाल पीड़ित व्यक्ति की ब्रीथिंग किवें चेक करोगे, हाँ जी आ क्वेश्चन भी थोड़ा आई क्यू चेक करेगा। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट दिता जी देख के सुन के ते महसूस करके, सैकेंड ऑप्शन है जी सुन के, थर्ड ऑप्शन दिता जी सीधा देख के, ते फोर्थ है जी
सीधा महसूस करके। तो इस क्वेश्चन का जिहड़ा अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला आपां पीड़ित नूं वेखांगे, फिर सुणांगे ते फिर महसूस करांगे। इस दे नाल आपां नूं पता लगेगा कि जिहड़ा पीड़ित है वह सांह ले रहा जां नहीं ले रहा। किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का एयरवे किवें ओपन करोगे, यानी कि दुर्घटना के नाल किसी व्यक्ति का जिहड़ा सांह रुक गया है उसनूं आपां किवें ओपन करांगे। चार ऑप्शन ने, फस्ट दिता जी उसके सिर नूं पिछे वल झुका के ते गर्दन नूं उपर वल चुक के, सैकेंड दिता जी मूँह ते फुका मार के, थर्ड हैगा जी पानी छिड़क के, ते फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट, कि उस पीड़ित व्यक्ति दे सिर नूं पिछे वल चुका के उसकी गर्दन नूं उपर वल चुक के, यानी कि उसकी ठोडी नूं उपर वल चुक के उसका आपां जिहड़ा एयरवे ओपन कर सकते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, जेकर किसी दुर्घटना का शिकार होए व्यक्ति की ब्रीथिंग नॉर्मल ना होने ते किन्ने समय तक इंतजार करना चाहिए। क्वेश्चन का मतलब हैगा जी, जेकर दुर्घटना के कारण किसी पीड़ित की जिहड़ा सांह रुक जाए तो तुहानू किन्ने टाइम इंतजार करना चाहिए। ऑप्शन ने फस्ट दिता जी घट्टो घट्ट एक मिनट, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी 30 सैकेंड, थर्ड ऑप्शन हैगा 10 सैकेंड तो ज़्यादा देर नहीं, तो फोर्थ हैगा जी 20 तो 30 सैकेंड तक। इसका करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कि जेकर दुर्घटना के नाल किसी पीड़ित का सह रुक जाए तो आप 10 सैकेंड तो ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना, आपने एम्बूलेंस नूं कॉल कर देना है, हेल्प दे लई कॉल करनी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी, सर्कुलेशन चेक करन दे तरीके दसो। फस्ट ऑप्शन हैगा पीड़ित नूं साफ थां ते ले जाना, हाँ जी बिल्कुल करैक्ट हैगा जी। सैकेंड ऑप्शन है उसके कपड़े बूट आदि नूं लूज़ करना, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दिता जी उस तो बाद उसका सर्कुलेशन जिहड़ा चेक करना, तो यह भी ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे। हाँ जी, आपां सर्कुलेशन चेक किवें कर सकते हैं कि पीड़ित व्यक्ति नूं सब तो पहला की करना, एक साफ थां ते लिटाउणा है, उस तो बाद उसके कपड़े बूट आदि नूं लूज़ कर देना, ढिला कर देना, उस तो बाद उसकी जिहड़ी सर्कुलेशन आपां चेक करनी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, सर्जन का की काम होता है, सर्जन किहड़े डॉक्टर नूं कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा जी कोई भी डॉक्टर नूं, सैकेंड ऑप्शन हैगा जो ऑपरेशन करता है, थर्ड ऑप्शन हैगा जी कार्डियोलॉजिस्ट नूं, ते फोर्थ हैगा नन ऑफ दीज। हाँ जी, सर्जन किनूं कहा जाता है, तो सर्जन कहा जाता है जी जिहड़ा ऑपरेशन करता होए। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, कार्डियोलॉजिस्ट का की काम होता है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट हैगा जी जिहड़ा डॉक्टर दिल दीआं बीमारियां नाल रिलेटिड प्रॉब्लम दे नाल डील करता होवे, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी जिहड़ा डॉक्टर दिमाग दे नाल रिलेटिड प्रॉब्लम दे नाल डील करता होवे, थर्ड ऑप्शन हैगा जी जिहड़ा डॉक्टर चमड़ी दे नाल संबंधित प्रॉब्लम दे नाल डील करता होवे, ते फोर्थ हैगा जी इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, कार्डियोलॉजिस्ट उस डॉक्टर नूं कहा जाता है कि जिहड़ा डॉक्टर दिल दे दीआं बीमारियां दे नाल रिलेटिड प्रॉब्लम दे नाल डील करता होवे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट अपना करैक्ट हो जाएगा। हुण इस दे नाल इंपोर्टेंट ए भी बन जाता है कि कार्डियोलॉजी जिहड़ी उस विच किस दा अध्ययन किया जाता है, तो उस विच दिल की संरचना ते दिल के कम का अध्ययन किया जाता है, उस स्टडी नूं की कहा जाता जी कार्डियोलॉजी। तो इस दे नाल रिलेटिड जिन्नी भी इंपोर्टेंट ने वो भी आपां कर लैने आं स्टडी। फस्ट हैगा जी स्टडी जिस विच दिल की संरचना ते उस दे कम का अध्ययन किया जाए, हुणे आपां पढ़िया है, तो इस नूं की कहा जाता जी कार्डियोलॉजी। नैक्सट अपना दिता होया है, स्टडी जिस विच दिमाग की संरचना ते उस दे कम का अध्ययन किया जाए तो उस नूं कहा जाता जी न्यूरोलॉजी। चलते हैं जी नैक्सट। नैक्सट अपना दिता है स्टडी जिस विच चमड़ी की संरचना ते उस दे कम का अध्ययन किया जाए तो उस नूं की कहा जाता जी टर्मेटोलॉजी। हुण इस नूं आपां ट्रिक दे नाल किवें याद कर सकते हैं, जिवें कि आपां गर्मियां विच पाउडर लाने चमड़ी ते डर्मीकूल वाला, तो उस तो आपां याद रखना है डरमेटोलॉजी, यानी कि जिथे डरमा वर्ड आ जाए तो तुसीं याद रखना है कि ये चमड़ी दे नाल ही संबंधित होवेगा। तो स्टडी जिस विच चमड़ी की संरचना ते उसके कम का अध्ययन किया जाए उसनों की कहा जाता जी डरमेटोलॉजी।
नैक्सट दिता जी स्टडी जिस विच नींद बारे अध्ययन किया जाए तो उसनों की किया जाता जी हैपनोलॉजी उसनों की किया जाता जी हैपनोलॉजी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है एक वार्ड अटेंडेंट का काम होता है चार ऑप्शन दिए हुए हैं फस्ट है जी मरीजों की देखभाल करना सैकेंड ऑप्शन है मरीजों की जरूरतों की देखभाल करना थर्ड ऑप्शन है जी मरीजों को मंजे इसनान पट्टी निवारण लई सहायता प्रदान करना ते फोर्थ है उपरोक्त सारे तो एक वार्ड अटेंडर के ये सारे काम होंगे ने जी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी फ्रेंड जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो शेयर करो। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है जी एक हैल्थ केयर टीम विच नहीं हुंदा जी अपना दसा कि एक हैल्थ केयर टीम विच कौन नहीं हुंदा चार ऑप्शन ने फस्ट है जी नर्स तो नर्स हुंदी है जी एक हैल्थ केयर टीम विच सैकेंड ऑप्शन है वार्ड अटेंडेंट तो वार्ड अटेंडेंट भी हुंदा है जी थर्ड ऑप्शन है जी डाइटिशियन यानी कि खुराक विज्ञानी जी नूं कहा जाता है तो ये भी हुंदे ने जी। ऑप्शन फोर्थ है जी सिपाही तो सिपाही इहदे विच नहीं हुंदा हैल्थ केयर टीम विच सिपाही नहीं हुंदा ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है। हुण वर्ड आया जी हैल्थ केयर टीम तो हैल्थ केयर टीम बारे आप पढ़ लें कि इहदे विच कौन कौन हुंदा तो फस्ट है जी फिजिशियन जिन्हों आप कह दें जनरल डॉक्टर यानी कि आप जिंद तो आम जी बीमारियों की दवाइया लें उन्होंने की किया जाता जी फिजिशियन। नैक्सट है जी नर्स थर्ड ऑप्शन पर आता जी वार्ड अटेंडेंट फोर्थ है जी डाइटिशियन यानी कि खुराक विज्ञानी जिस तो आप जिमें कि विटामिन वगैरह या फिर प्रोटीन बारे अपनी डाइट वगैरह की जानकारी लेनी हो होंगे जी डाइटिशियन डॉक्टर। नैक्सट है जी फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि जोड़ा कि पेशेंट की मांसपेशियों के नाल जी संबंधित बीमारियों की वो सहूलत प्रदान करता या फिर उनका निवारण करता उसनों की किया जाता जी फिजियोथेरेपिस्ट। नैक्सट है जी मेडिकल सोशल वर्कर यानी कि वो वर्कर जेडे कि गरीब परिवार के बच्चों या फिर गरीब परिवार को सहूलत प्रदान करते हैं जिमें कि कोई गरीब परिवार है उस दे नाल रोगी दे नाल उसकी पूरी फैमिली गई है तो उसनों रहन दे लई कमरे वगैरह कत्ते वगैरह प्रदान करना या फिर कोई जेकर कोई बच्चा अडोप्ट कर रहा है तो उसके जिन्हें भी डॉक्यूमेंट वगैरह बनते हैं कि किवें आप कागजी कार्रवाई करनी है तो उसके लिए जी हेल्प प्रदान करेगा वह करता है जी सोशल वर्कर। नैक्सट है जी आशा वर्कर एक इन्हों का काम हों जी कि अवेयरनैस आप स्प्रैड करनी जिन्नी भी हेल्थ बारे हो सके। नैक्सट है जी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हाँ जी ये काम करता है जी इन्हों का काम होंगे जी जिमें कि लैबोरेटरी जिमें कि खून पेशाब आदि का चेक करना एक्सरे चेक करना या फिर रेडियोलॉजी द्वारा कोई चेकअप करना ये सारे आ जाते हैं जी पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। नैक्सट अपना दिता जी फार्मासिस्ट जिहड़ा कि दवाइया देता है यानी कि आप जब डॉक्टर को परची तो दवाई लिखवा लें तो वह कहता जी बार तुम फार्मासिस्ट तो दवाइया ले लो तो यह हों जी दवाइया देने वाला उसका हैड हों उन्होंने कहा जाता जी फार्मासिस्ट। हाँ जी नैक्सट अपना दिता हुआ जी इनहेलेशन थेरेपिस्ट जिहड़ा कि सह नाल संबंधित समस्यावां वाले मरीजों की सहायता करते हैं उन्होंने कहा जाता जी इनहेलेशन थेरेपिस्ट। नैक्सट अपना दिता जी साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोविज्ञानिक जिहड़ा कि एक व्यक्ति के नेचर भावनावान उसनों माइंड उसका रीड करके तो उसनों बेहतर जीवन जीने लई मोटिवेट करता है साइकोलॉजिस्ट कोई भी व्यक्ति हो सकता। एम्बुलेटरी केयर किस तरह की केयर है चार ऑप्शन दिए हुए हैं फर्स्ट दिता जी होम बेस्ड केयर सैकेंड ऑप्शन है होस्पिटल बेस्ड केयर थर्ड ऑप्शन है जी बोथ ए एंड बी तो फोर्थ है जी नन ऑफ दीज। हाँ जी आप दसना है कि एम्बुलेटरी केयर किस तरह की केयर होंगी है तो यह होंगी जी होस्पिटल बेस्ड केयर ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाएगा। एम्बुलेटरी केयर किस तरह की केयर होंगी है जी एक कितने दी जाती है हॉस्पिटल में तो इसका ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन है जी एक्यूट हेल्थ केयर किस तरह की केयर होंगी है चार ऑप्शन ने फस्ट दिता जी थोड़े समय दी गई केयर सैकेंड ऑप्शन है जी लंबे समय दी गई केयर थर्ड ऑप्शन है ए ते बी दोवें तो फोर्थ है जी इन्हों कोई नहीं।
हाँ जी एक्यूट हेल्थ केयर वो केयर होंगी है जिहड़ी कि आपां नूं थोड़े समय लई दित्ती जांदी है, यानी कि जिन्हां विच आपां नूं छोटी मोटी बीमारी होंदी है तो उस लई आपां नूं हेल्थ केयर जिहड़ी दित्ती जांदी है उसनों कहा जाता है एक्यूट हेल्थ केयर। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिहड़ी केयर थोड़े समय लई दित्ती जांदी है उसनों कहा जाता है एक्यूट हेल्थ केयर। इस दे उल्ट हुंदा जी क्रिटिकल हेल्थ केयर जिहड़े कि लंबे समय लई दित्ती जांदी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता होया है, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हैगा जी। वर्ल्ड हेल्थ डे कदों मनाया जाता है? चार ऑप्शन ने, फर्स्ट दिता जी 1 मार्च, सैकेंड ऑप्शन हैगा 7 अप्रैल, थर्ड दिता जी 6 अक्तूबर, तो फोर्थ हैगा जी 10 अक्तूबर। हाँ जी आपां दसना है कि वर्ल्ड हेल्थ डे कदों मनाया जाता है, तो यह बनाया जाता जी 7 अप्रैल नूं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता होया है WHO की स्थापना कदों हुई अते उस दिन नूं केड़ा दिवस बनाया जाता है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। WHO की फुल फॉर्म होंदी है जी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन। आपां दसना है कि इस दी स्थापना कदों हुई ते इस दी स्थापना दे दिन नूं केड़े दिवस विच मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिते हुए ने अपने कोल, फस्ट हैगा जी 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ डे, बी ऑप्शन हैगा जी 7 अप्रैल 1945 वर्ल्ड मेडिसन डे, थर्ड ऑप्शन हैगा 10 अप्रैल 1945 वर्ल्ड डॉक्टर्स डे, तो फोर्थ हैगा 8 अप्रैल 1948 WHO डे। तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट 7 अप्रैल 1948 वर्ल्ड हेल्थ डे, ऑप्शन नंबर फस्ट अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है WHO का हैडक्वाटर कित्थे स्थित है? चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी जनेवा, सैकेंड ऑप्शन हैगा न्यूयॉर्क, थर्ड ऑप्शन हैगा जी इस्तांबुल, तो फोर्थ हैगा जी नन ऑफ दीस। हाँ जी आपां दसना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का हैडक्वाटर कित्थे हैगा, तो यह हैगा जी जनेवा स्विट्जरलैंड। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 अपना दिता हुआ है एम्बूलेशन विच केड़ी एक्टिविटी जरूरी हुंदी है? एम्बूलेशन विच केड़ी एक्टिविटी जरूरी हुंदी है? फर्स्ट ऑप्शन हैगा जी सिटिंग, सैकेंड ऑप्शन हैगा स्टैंडिंग, थर्ड ऑप्शन हैगा जी वाकिंग, तो फोर्थ हैगा जी ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी एम्बूलेशन विच ये तीनों एक्टिविटी जरूरी हुंदी है जिहड़ी आपां पेशेंट दे नाल करवानी हुंदी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है। हुण समझदे हां कि एम्बूलेशन हुंदा की है, यह प्रोसैस की हुंदा जी। क्वेश्चन नंबर 27 अपना दिता हुआ है एम्बूलेशन प्रक्रिया की हुंदी है? तो यह वो एबिलिटी हुंदी है जी जिस विच पेशेंट अपनी सर्जरी जां फिजिकल थेरेपी तो बाद चलना उठना बैठना शुरू कर देंदा है अपने आप जां किसी वार्ड बॉय या फिर वार्ड अटेंडेंट की मदद नाल, तो उस प्रोसैस नूं की कहा जाता जी एम्बूलेशन कहा जाता है जी। सर्जरी तो बाद ये बहुत जरूरी हो जाता है कि जिन्ना जल्दी हो सके पेशेंट नूं चलना बैठना जां खड़न दे योग किया जाए, तो ये टेक्नीक भी एम्बूलेशन विच ही आउंदी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 28 अपना दिता होया है हेठ लिखियां विचों केड़ा एक एम्बूलेटरी डिवाइस नहीं है? हाँ जी आपां दसना है कि इन्हां विचों केड़ा एक एम्बूलेटरी डिवाइस नहीं है। जी एम्बूलेटरी विच आपां हुणे पढ़िया वो चीज़ां आ जांदियां ने जिस नाल पेशेंट तुरना बैठना या फिर चलना शुरू कर देंदा है, तो आपां चार ऑप्शन दित्ते ने। फस्ट हैगा जी केन, केन एक तरह की छड़ी हुंदी है जिहनूं फड़ के वो चलना शुरू करता है। वाकर आ भी इस तरह ही बनी हुंदी है, इत्थे इंदे जिहड़े पहिए लगे हुंदे ने ते इहनूं फड़ के वो तुरना स्टार्ट करता है। तो थर्ड ऑप्शन दिता जी ट्रांसफर बैल्ट, आ भी जिन्हों तकलीफ हो बैठन लई या फिर व्हीलचेयर विच तो उहदे लई बैल्ट यूज़ किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन हैगा जी बैट, तो आ ऑप्शन गलत हैगा जी। आई आपां दसना सी कि हेठ लिखियां विचों किहड़ा एक एम्बूलेटरी डिवाइस नहीं है, तो बैट जिहड़ा हैगा है आ एक एम्बूलेटरी डिवाइस नहीं है, ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी।
हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी क्वेश्चन नंबर 29। क्रिटिकल केयर किसनों दिती जाती है, यानी कि क्रिटिकल केयर किस तरह के पेशेंट नूं दिती जाती है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी जो बीमार होवे, सैकेंड ऑप्शन दिता है जी जिसकी सर्जरी हुई होवे, थर्ड ऑप्शन हैगा जी जो जानलेवा चोट जां बीमारी तो ग्रस्त होवे, ते फोर्थ हैगा जी इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी, आपां पहला भी पढ़िया सी कि क्रिटिकल केयर उन्हों दिती जाती है जिसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल होवे, तो इसका करैक्ट आंसर अपना बन जाता है ऑप्शन नंबर सी, जो जानलेवा चोट जां बीमारी तो ग्रस्त होवे उस पेशेंट नूं क्रिटिकल केयर दिती जाती है। तो क्रिटिकल केयर आम तौर पर ICU विच दिती जाती है पेशेंट नूं, जिस विच 24 घंटे डॉक्टर उसकी निगरानी करते हैं, तो इसलिए एक खास ट्रेंड टीम जिहड़ी हैल्थ केयर की होंदी है उस ते काम करती है। जी नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपना दिता हुआ जी क्रिटिकल केयर है जिहड़ी वो आम तौर पर क्रिटिकल केयर विच पेशेंट आम तौर पर हुंदा है तो कित्थे हुंदा है जी। चार ऑप्शन दिते हुए हैं, फस्ट हैगा जी अपने घर विच, सैकेंड ऑप्शन हैगा कित्थे भी, थर्ड ऑप्शन हैगा जी ICU विच, ते फोर्थ हैगा जी ऑफिस विच। हुणे आपां पढ़ के हटे हैं जी कि क्रिटिकल केयर विच जिहड़ा आम तौर पर पेशेंट कित्थे हुंदा जी, ICU विच हुंदा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्रिटिकल केयर के नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट दिते हुए हैं, जिमें कि फस्ट हैगा जी क्रिटिकल केयर विच एक खास ट्रेंड हैल्थ केयर टीम काम करती है जिहड़ी कि पीड़ित नूं 24 घंटे केयर प्रदान करती है। तो ICU की फुल फॉर्म दिती हुई है जी, ICU की फुल फॉर्म की होंदी है जी, इंटेंसिव केयर यूनिट। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट अपना दिता हुआ ICU बारे कि ICU की होंदा जी, हुणे आपां दस्सिया कि इसकी फुल फॉर्म की होंदी है जी, इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि नाजुक मरीजों लई एक विशेष कमरा जिन्हां नूं सख्त इलाज ते निरंतर निगरानी की जरूरत होंदी है। नैक्सट अपना दिता जी HCU, इसकी भी फुल फॉर्म इंपोर्टेंट हो जाती है जी, इसका मतलब होंदा जी हाई केयर यूनिट। यह भी ICU का एक कमरा होंदा है जिस विच मरीजों की देखभाल करन या फिर जिस विच मरीज की इंप्रूवमेंट चैक की जाती है कि पहला वो ICU विच सी ते हुण उहदी विच की इंप्रूवमेंट आई है, की सुधार आया, वो HCU विच चैक किया जाता है। तो यह भी एक निरंतर निगरानी हेठ ही काम होंदा है जी। नैक्सट अपना दिता जी ICCU, इसका फुल फॉर्म होंदा जी इंटेंसिव कोरोनरी केयर यूनिट। यह भी एक कमरा होंदा जिस विच दिल के रोग जिवें कि कोरोनरी दिल की बीमारी, दिल का दौरा, दिल का असफल होना आदि के इलाज से केंद्रित होंदा जी। सेहत विज्ञान का संबंध किस चीज़ नाल है, चार ऑप्शन दिते हुए हैं, फस्ट हैगा जी मनुखी शरीर नाल, सैकेंड ऑप्शन दिता है दिमाग दे नाल, थर्ड ऑप्शन हैगा विचारा नाल, ते फोर्थ हैगा जी कोई नहीं। हाँ जी, सेहत विज्ञान का संबंध हुंदा जी मनुखी शरीर दे नाल, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट अपना करैक्ट हो जाता है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी शराब पीण नाल शरीर का केड़ा अंग खराब हो जाता है, चार ऑप्शन ने, फस्ट हैगा जी दिल, सैकेंड ऑप्शन हैगा मेदा, थर्ड ऑप्शन दिता जी जिगर, ते फोर्थ हैगा जी आंतड़ियाँ। जी आपां दसना है शराब पीण नाल शरीर का केड़ा हिस्सा जिहड़ा अंग खराब हो जाता है, तो वह हो जाता जी जिगर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट हो जाता है। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। नैक्सट क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी, सरकारी पद्धर उत्ते तंदुरुस्त सेहत लई किहड़े किहड़े कदम चुके जा रहे हैं। फस्ट ऑप्शन हैगा जी अस्पतालां ते डिस्पेंसरियां दी सफाई, सैकेंड ऑप्शन हैगा बच्चियां दी डॉक्टरी जांच, थर्ड ऑप्शन दिता है रोगों तो जाणू करवाउणा, ते फोर्थ हैगा जी तीनों। हाँ जी, सरकारी पद्धर उत्ते तंदुरुस्त सेहत लई किहड़े किहड़े कदम चुके जा रहे हैं, तो यह तीनों कदम जिहड़े चुके जा रहे हैं, हस्पतालां ते डिस्पेंसरियां दी सफाई, बच्चों की डॉक्टरी जांच, रोगों तो जाणू करवाना, तो इस क्वेश्चन का अपना जिहड़ा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तीनों। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता है कीटाणुओं तो बचने लई की करना चाहिए है, फस्ट ऑप्शन हैगा जी साफ सफाई रखो, सैकेंड ऑप्शन हैगा रोज़ नहाना, थर्ड ऑप्शन हैगा साफ सुथरे कपड़े पाउणा, ते फोर्थ हैगा तीनों। आता सारयां नूं पता जी इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
तीनों कि कीटाणुओं तो बचने लिए की करना चाहिए है, साढ़े आले दुआले की साफ सफाई रखनी चाहिए है, रोज़ नहाना चाहिए है, तो साफ सुथरे ही कपड़े पाने चाहिए ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है जी, होस्पिटल विच किन्ने तरह के डिब्बे या बिन पाए जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट बॉक्स से दसना है कि होस्पिटल विच किन्ने तरह के डस्टबिन जड़े पाए जाते हैं। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी एक, सैकेंड ऑप्शन है जी दो, थर्ड ऑप्शन है पाँच, तो फोर्थ दिता जी चार। इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट करना है, तो नैक्सट वीडियो इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुम्हें दसागा कि होस्पिटल विच किन्ने तरह के डिब्बे जड़े पाए जाते हैं। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है, सफेद रंग के डिब्बे विच किस तरह का कूड़ा पाया जाता है। हाँ जी, क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है, सफेद रंग के डिब्बे विच किस तरह का कूड़ा पाया जाता है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट है जी सूई, सैकेंड ऑप्शन है सिरिंज, थर्ड ऑप्शन है किसी तरह की तिखी चीज़, तो फोर्थ है जी उपरोक्त सारे। हाँ जी, सफेद रंग के डिब्बे विच सूई, सिरिंज, तो किसी तरह की भी तिखी चीज़ जड़ी वो उस डिब्बे विच पाया जाता है कूड़ा, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है, उपरोक्त सारे। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 37 दिता हुआ जी, पट्टी टिशू पेपर जिन्हां ते खून लग्या है किस रंग के डिब्बे विच सुट्टे जाते हैं। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी लाल, सैकेंड ऑप्शन है हरा, थर्ड ऑप्शन है पीला, तो फोर्थ है जी काला। जी आपां दसना है कि पट्टी टिशू पेपर जिन्हां ते खून लग्या होया है किस रंग के डिब्बे विच सुट्टे जाते हैं, तो ये सुट्टे जाते हैं जी पीले रंग के डिब्बे विच। ऑप्शन नंबर सी अपना इत्थे करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 अपना दिता हुआ है, प्लास्टिक दियां बोतलां आईवी ट्यूब सरिंज बगैर सूई, जिहड़ी कि सरिंजा बगैर सूईयां दे ने, आदि किस रंग के डिब्बे विच सुट्टी जाती है। क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देना जी, प्लास्टिक दियां बोतलां आईवी ट्यूब ते सरिंज बगैर सूई आदि किस डिब्बे विच सुट्टी जाते हैं। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी लाल रंग के डिब्बे, सैकेंड ऑप्शन है किसी भी रंग के डिब्बे, थर्ड ऑप्शन दिता जी काले रंग के डिब्बे, तो फोर्थ है जी हरे। इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अपना लाल रंग के डिब्बे। हाँ जी, प्लास्टिक दियां बोतलां आईवी ट्यूब ते सरिंज बगैर सूई ये सारी लाल रंग के डिब्बे सुट्टी जाती है। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक जरूर करके जाओ जी, ते वध तो वध अपने दोस्तों के नाल शेयर करो। जेकर तुसी चैनल ते नवे हो तो चैनल नू जरूर सबसक्राइब करो, ते नाल लगे बैल आइकन भी प्रेस करना जिस दे नाल तुहानू साडी हरेक नोटिफिकेशन मिलती रहे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, जेकर एक वार्ड अटेंडेंट तो गलती नाल कोई कच की बोतल टुट गई है तो वह उसका कूड़ा किस रंग के डिब्बे विच सुट्टेगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी कि एक वार्ड अटेंडेंट तो गलती दे नाल कच की बोतल टुट गई है तो उस बोतल का कूड़ा किस रंग के डिब्बे विच सुट्टेगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट है जी लाल जां पीले, सैकेंड ऑप्शन है नीले रंग के डिब्बे, फोर्थ है सॉरी थर्ड है जी किसी विच भी, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई नहीं। इसका करैक्ट आंसर हो जाता जी ऑप्शन नंबर बी नीले रंग के डिब्बे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है, संक्रमित दस्ताने सुट्टे जाते हैं। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट है जी पीले रंग के डिब्बे, सैकेंड ऑप्शन है जी हरे रंग के डिब्बे, थर्ड ऑप्शन है लाल रंग के डिब्बे, तो फोर्थ है किसी विच भी, तो संक्रमित दस्ताने सुट्टे जाते हैं जी लाल रंग के डिब्बे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। वार्ड अटेंडेंट पेशेंट के यूरीन बैग में किस रंग के डिब्बे सुट्टेगा। जी ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, रेड ब्लू येलो ते ब्लैक। हाँ जी, एक वार्ड अटेंडेंट पेशेंट के यूरीन बैग में रेड रंग के डिब्बे सुट्टता है जी, लाल रंग के डस्टबिन सुट्टता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन है जी, एक वार्ड अटेंडेंट पेशेंट के खाना खाने तो बाद उस द्वारा छड्या गया जां बच गया भोजन किस रंग के डिब्बे सुट्टेगा। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी रैड,
सैकेंड ब्लू, थर्ड है जी ग्रीन, तो फोर्थ है येलो। आपां दसना है कि एक वार्ड अटेंडेंट पेशेंट द्वारा खाना खाण तो बाद जिहड़ा भोजन बच जाता है या फिर वो छड्ड देता है तो उस भोजन को किस रंग के डिब्बे में सुटिया जाता है, तो उसको सुटिया जाता जी ग्रीन रंग के डस्टबिन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता। अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के नाल जानिया जाता है। हाँ जी, आपां दसना है कि जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के नाल किसनों जानिया जाता है। चार ऑप्शन अपने को फस्ट है जी डॉक्टर, सैकेंड ऑप्शन दिता है नर्स, थर्ड ऑप्शन है वार्ड अटेंडेंट, तो फोर्थ है जी नन ऑफ दीज। हाँ जी, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट के नाल जानिया जाता है वार्ड अटेंडेंट नू। इस क्वेश्चन का अपना सी ऑप्शन करैक्ट हो जाता है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी, वार्ड विच वध तो वध तापमान होना चाहिए। हाँ जी, आपां तापमान दसना है कि वार्ड विच तापमान कितना होना चाहिए। चार ऑप्शन ने अपने कोल, फस्ट है जी 20 से 22 डिग्री सेल्सियस, सैकेंड ऑप्शन है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस, थर्ड ऑप्शन है भी कोई भी टेंपरेचर हो सकता है, तो फोर्थ है जी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। हाँ जी, वार्ड विच वध तो वध टेंपरेचर जिहड़ा होना चाहिए 20 से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फस्ट अपना करैक्ट हो जाता जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 अपने को दिता हुआ है, जेकर बायोमेडिकल वेस्ट नूं टिकाने ना लगाया जाए तो वातावरण में डैश प्रदूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपोर्टेंट है जी कि बायोमेडिकल वेस्ट नूं जेकर टिकाने ना लाया जाए तो वातावरण में डैश प्रदूषित होने का खतरा बढ़ जाता है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी हवा का, सैकेंड ऑप्शन है पानी का, थर्ड ऑप्शन है जी भूमि का। हाँ जी, जेकर बायोमेडिकल वेस्ट नूं टिकाने ना लाया जाए तो हवा भी प्रदूषित होगी, पानी भी प्रदूषित होगा, तो भूमि भी प्रदूषित होगी। इस क्वेश्चन का अपना सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। अपना नैक्सट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46 दिता हुआ जी, जेकर किसी पेशेंट का ब्लड बॉडी पार्ट जिमें उंगल नू लत पैर की उंगल आदि नू किस रंग के डिब्बे में सुटिया जाता है। हाँ जी, कहने का मतलब है कि जेकर किसी पेशेंट का बॉडी पार्ट खराब हो गया जिसनू कटना पै रहा है, जिमें उसकी उंगल नू लत पैर की उंगल आदि के वेस्ट नू किस रंग के डिब्बे में सुटिया जाएगा। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट है जी हरा, सैकेंड ऑप्शन है लाल, थर्ड ऑप्शन है पीला, तो फोर्थ दिता जी काला। हाँ जी, इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पीला, यानी कि इसनों येलो रंग के डिब्बे में सुटिया जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी वाल। क्वेश्चन नंबर 47 अपने कोल है जी, इनफेक्शियस वेस्ट किस डिब्बे में सुटिया जाता है। हाँ जी, सब तो पहला अपन इनफेक्शियस वेस्ट बारे पता होना चाहिए कि होंगे इनफेक्शियस वेस्ट, मतलब कि जिद नाल इनफेक्शन फैल सकता है, यानी कि डॉक्टर के दस्ताने, पट्टियाँ, सिरिंज, बैंडेड आदि वगैरह जिस दे नाल इनफेक्शन फैल सकता है, या फिर ब्लड बैग हो गए या फिर यूरिन बैग हो गए, इन्हां नूं किस रंग के डब्बे में सुटिया जाता है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फस्ट है जी लाल रंग के डिब्बे, सैकेंड ऑप्शन है हरे रंग के डिब्बे, थर्ड ऑप्शन दिता जी पीले रंग के डब्बे, तो फोर्थ है इन्हां विचों कोई भी। हाँ जी, आपां दसना है कि इनफेक्शियस वेस्ट नूं किस रंग के डिब्बे सुटिया जाता है, तो इन्हों सुटिया जाता जी पीले रंग के डिब्बे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है, पीले रंग का डब्बा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन दिता जी, ब्लड बैग, पट्टी, दस्ताने, मास्क, बैंडेड आदि जिसनों छूण राही बीमारियां फैलदियां ने नूं सुटिया जाता है। हाँ जी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन तुसीं कमेंट बॉक्स में दसना है कि ब्लड बैग हो गए, पट्टियां हो गई, दस्ताने हो गए, मास्क हो गए आदि जिन्हों छूण नाल बीमारियां फैलदियां ने अजिहे वेस्ट नू किस रंग के बिन विच सुटिया जाता है। चार ऑप्शन ने, काले रंग के बिन विच, हरे रंग के बिन विच, पीले रंग के बिन विच, ते फोर्थ है जी सिर्फ लाल रंग के बिन विच। इस क्वेश्चन का आंसर तुसी कमेंट विच करना है। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि तुहाडे एक एक लाइक के कारण सानू हौसला मिलता है वीडियो बनाउण दा, तां करके तुसी हरेक वीडियो नू लाइक जरूर करो जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ है क्वेश्चन नंबर 49, वो दवाइया जिन्हों की म्याद खत्म हो गई होवे
किस तरह की वेस्ट होंगी है। हाँ जी ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट हैगा जी इनफेक्शियस वेस्ट, सैकेंड ऑप्शन दिता है पैथोलॉजिकल वेस्ट, थर्ड ऑप्शन हैगा कैमिकल वेस्ट, तो फोर्थ हैगा इन्हां विचों कोई नहीं। हाँ जी आपां दसना सी कि वो दवाइया जिन्हों की म्याद खत्म हो गई हो किस तरह की वेस्ट होंगी है, तो यह होंगी है जी फार्मासिटिकल वेस्ट। फार्मासिटिकल वेस्ट तो इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इन्हां विचों कोई नहीं। फिर तो रिपीट कर दें, वो दवाइया जिन्हों की म्याद खत्म हो गई हो किस तरह की वेस्ट अखवाती है, तो वह फार्मासिटिकल वेस्ट होंगी है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है वो वेस्ट जिहड़ी बहुत ज़्यादा खतरे वाली हुंदी है ते तेजी नाल बीमारी फैलाउंदी है दा नाम दसो। हाँ जी आपां दसना है कि वो वेस्ट केड़ी हुंदी है जिहड़ी बहुत ज़्यादा खतरे वाली हुंदी है ते तेजी नाल बीमारी फैलाउंदी है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी फार्मासिटिकल वेस्ट, सैकेंड ऑप्शन हैगा कैमिकल वेस्ट, थर्ड ऑप्शन हैगा जीनोटॉक्सिक वेस्ट, तो फोर्थ हैगा जी ये सारे। हाँ जी नाम तो ही क्लीयर हो रहा है वो वेस्ट होंगी है जी जीनोटॉक्सिकल वेस्ट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाएगा, जीनोटॉक्सिक वेस्ट। हाँ जी वो वेस्ट जिहड़ी सब तो ज़्यादा खतरे वाली होंगी है, तो जिस दे नाल ज़्यादा बीमारी फैलने के चांसिस होंगे ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी, चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 51 दिता हुआ जी, कैमिकल वेस्ट यानी कि रसायनिक कूड़ा हो सकता है। हाँ जी आपां दसना है कि रसायनिक कूड़ा किस फॉर्म विच हो सकता है। चार ऑप्शन अपने कोल ने, फर्स्ट हैगा जी ठोस, सैकेंड ऑप्शन दिता है द्रव, थर्ड ऑप्शन दिता है जी गैस, तो फोर्थ हैगा उपरोक्त सारे। हाँ जी कैमिकल वेस्ट इन्हां तीनों फॉर्म विच हो सकता है जी, ठोस द्रव ते गैस। इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर अपना हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सारे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी ब्लड सिरिंजां दियां सुइयां स्कैल्प कटर आदि अते तिखियां ते नुकीलियां चीज़ां किस डब्बे विच सुट्टे जाते हैं। जी ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट हैगा जी, फिर तो रिपीट कर दें, ब्लड सिरिंजां दियां सुइयां स्कैल्प कटर आदि तिखियां ते नुकीलियां चीज़ां किस रंग के डिब्बे विच सुट्टी जाती है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट हैगा जी रेड, सैकेंड ऑप्शन हैगा ग्रीन, थर्ड ऑप्शन हैगा येलो, तो फोर्थ हैगा जी वाइट। इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सफेद रंग के डस्टबिन विच सुट्टी जाती है। हाँ जी आज के लास्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन दिता है जी गिलड़ रोग किस विटामिन की घाट कारण होंगे। चार ऑप्शन दिए हुए ने, फर्स्ट हैगा जी खनिज के कारण, सैकेंड ऑप्शन हैगा विटामिन ए की घाट कारण, थर्ड ऑप्शन हैगा आयोडीन की घाट कारण, तो फोर्थ हैगा जी विटामिन डी की घाट कारण। उस उपकरण का नाम दसो जिस दी वरतों गर्भ अवस्था विच शिशु की दिल की धड़कन चेक करने की जाती है। जी ये क्वेश्चन तुहाडे एग्जाम पॉइंट नाल वेरी वेरी इंपोर्टेंट हो जाता है जी। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट हैगा स्टैथोस्कोप, सैकेंड ऑप्शन हैगा जी भ्रूण स्टैथोस्कोप, थर्ड ऑप्शन हैगा पायरोमीटर, तो फोर्थ हैगा जी ऑडियोमीटर। हाँ जी आप दसना सी कि उस उपकरण का नाँ जिहड़ा गर्भ अवस्था विच शिशु की दिल की धड़कन चेक करता है, तो वह हैगा जी भ्रूण स्टैथोस्कोप। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता है। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल, अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता हुआ जी हेठ लिखियां विचों सही है, आप सही दसना है। चार ऑप्शन दिए हुए हैं, फर्स्ट हैगा जी सेल्सियस पैमाने विच मनुख का साधारण ताप 37 डिग्री सी सेल्सियस होंदा है। हाँ जी फर्स्ट ऑप्शन अपना करैक्ट है जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल नैक्सट ऑप्शन वाल चलते हैं, अपना नैक्सट ऑप्शन दिता हुआ है ऑप्शन नंबर बी फारनहाइट पैमाने विच मनुख का साधारण ताप 98.6 डिग्री फारनहाइट होंदा है। हाँ जी ऑप्शन बी भी अपना करैक्ट है, क्योंकि फारनहाइट पैमाने विच मनुख का जिहड़ा तापमान होंदा है वह 98.6 डिग्री फारनहाइट होंदा है। ऑप्शन नंबर सी अपना दिता हुआ है कैलविन पैमाने विच मनुख का साधारण ताप 310 कैलविन होंदा है, तो ऑप्शन सी भी अपना सही हैगा, आप सही दसना सी, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता है, क्योंकि तिने ऑप्शन सही दिते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं, अपना नैक्सट क्वेश्चन हैगा जी क्वेश्चन नंबर 56,
ड्रेसिंग अते बैंडेज की वरतों क्यों की जाती है? हाँ जी, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, इसते स्टार पा देना जी मैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ड्रेसिंग अते बैंडेज की वरतों क्यों की जाती है। सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कि ड्रेसिंग अते बैंडेज होंदी की है। जिवें कि किसी व्यक्ति नूं सट लगी है तो उसका चोट लगी उस तां तों खून वग रहा बहुत तेजी नाल, तो सब तो पहले आपां उसकी ड्रेसिंग करांगे यानी कि पट्टी करते हाँ, तो उसके उपर आपां एक पेड़ की तरह पट्टी जी बना के रखते हैं इस तरह की, उसनों कहिंदे ने ड्रेसिंग। तो उस तो बाद उसके उत्ते आपां पट्टी बनते हैं इस तरह, तो उसनों कहिंदे ने बैंडेज। उम्मीद करदा तुहानूं पता लग गया होगा। तो चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट है जी अंदरूनी खून के रिसाव नूं रोकण लई, सैकेंड ऑप्शन है मरीज़ के दर्द नूं घटाउण दे लई, थर्ड ऑप्शन है जी खून के रिसाव नूं अते इनफेक्शन नूं रोकण लई, फोर्थ है जी मरीज़ नूं हस्पताल लिजाउण लई सौखा करन लई। तां इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, खून के रिसाव नूं अते इनफेक्शन नूं रोकण दे लई आपां ड्रेसिंग अते बैंडेज की वरतों करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 57 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, खून के रिसाव वाले जख्म की देखभाल लई पहला स्टैप की है? हाँ जी, पहला स्टैप की होना चाहिए? चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी साफ अते कीटाणु मुक्त ड्रेसिंग नाल दबाओ, यानी कि जिस जख्म ते खून वग रहा है उसनों साफ अते कीटाणु मुक्त ड्रेसिंग नाल उसनों पहला दबाना आपां। सैकेंड ऑप्शन दिता जी दबाव वाले पॉइंट ते दबाव पाओ, थर्ड ऑप्शन है ज़्यादा ड्रेसिंग करना खून सोखण लई, ते फोर्थ है जी जख्म नूं उच्चा करना। इस क्वेश्चन का अपना करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर फस्ट, साफ अते कीटाणु मुक्त ड्रेसिंग नाल उस जख्म नूं दबाओ ताकि खून का वाह जिहड़ा रुक जाए, तो उस तो बाद उसकी आपां बैंडेज नाल उसकी पट्टी कर देनी है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। अपना नैक्सट क्वेश्चन आ जाता जी क्वेश्चन नंबर 58, थर्मामीटर की खोज की सी जी, आपां दसना है कि थर्मामीटर की खोज किन्ने की सी। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी न्यूटन, सैकेंड ऑप्शन दिता है लुईस पाश्चर, ऑप्शन नंबर थर्ड है जी फारनहाइट, तो फोर्थ है जी चैडविक। हाँ जी, थर्मामीटर की खोज की सी फारनहाइट ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करियो, ते ज़्यादा तो ज़्यादा अपने साथियों के नाल वीडियो नू शेयर करियो, क्योंकि तुहाडे एक एक लाइक के कारण सानू वीडियो बनाउण दा हौसला मिलता है। तो जेकर तुहानू ये वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक जरूर करियो। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। अपना नैक्सट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता जी, इस क्वेश्चन से भी मैं स्टार बना देना जी। क्वेश्चन हैगा जी, हेठ लिखिया विचों केड़ा अंदरूनी ब्लीडिंग का लक्षण है, यानी कि किसी व्यक्ति की जेकर अंदरूनी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो आपां किन्ना लक्षणा कारण पता चलेगा। फस्ट ऑप्शन दिता जी चमड़ी का ज़्यादा ठंडा महसूस करना, जां पीला जां नीला होना, यानी कि चमड़ी का ज़्यादा ठंडा महसूस करना, तो चमड़ी का पीला जां नीला होना। सैकेंड ऑप्शन हैगा जी तेज़ कमजोर पल्स, तो ज़्यादा प्यास लगना। थर्ड ऑप्शन दिता है नरम फुले हुए जा चुलसे शरीर के हिस्से। तो ये तीनों कारण ने जिन्हों कारण आपू पता चलता है कि व्यक्ति की अंदरूनी ब्लीडिंग हो रही है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी अपना करैक्ट हो जाता जी, उपरोक्त सारे। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन नंबर 60 दिता हुआ जी, एलिसा का पूरा नाम दसो। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फस्ट है जी एंजाइम लिंकड इम्यूनोसोरबेंट असे, सैकेंड ऑप्शन है ईजी लिंकड इम्यूनोसोरबेंट असे, थर्ड ऑप्शन है जी एलीमिनेटेड लाइन इम्यूनिटी सोरबेंट असे, तो फोर्थ है जी नैन ऑफ दीज। हाँ जी, आप ELISA का पूरा नाम दसना सी। इस क्वेश्चन का फस्ट ऑप्शन अपना करैक्ट हो जाता जी, एंजाइम लिंकड इम्यूनोसोरबेंट असे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 61 अपना दिता हुआ है, डेंगू किस तो फैलता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी, तो तुसी भी ध्यान रखना है क्योंकि इस समय डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। चार ऑप्शन ने, फस्ट है जी एनोफिलीज मच्छर, सैकेंड ऑप्शन दिता है एडिज एजिप्टी मच्छर, थर्ड ऑप्शन है जी वायरस, तो फोर्थ है जी मक्खी। हाँ जी, डेंगू किस नाल फैलता है जी? एडिस एजिप्टी नाँ के मच्छर तो, यह चिट्टा मच्छर होंगे जी, इस तो डेंगू फैलता है। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता है। तुसी कमेंट बॉक्स इन्ना दसना है कि यह मच्छर मादा होंगे जां नर, यानी कि मेल होंगे जां फीमेल, तुसी दसना है।
कि जिस तों डेंगू फैलता है वह मच्छर मादा हुंदा है जां नर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 अपना दिता है STD तो की भाव है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी सेंसिटिव ट्रांसफर डिजीज़, सेकंड ऑप्शन है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, थर्ड ऑप्शन है जी सेक्सुअल ट्रांसफर ऑफ डिजीज़, तो फोर्थ है सेंसुअल ट्रांसफर डिजीज़। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता जी STD। इसकी फुल फॉर्म आप दसनी सी, इसकी फुल फॉर्म दे जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, यानी कि ये डिजीज़ उस व्यक्ति नूं हुंदी है जिहड़ा कि मल्टीपल अपने पार्टनर दे नाल फिजिकल रिलेशन बनाउंदा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता जी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, अपना अज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जी PPE तो तुहाडा की भाव है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट है जी प्री प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, सैकेंड ऑप्शन है परसनल प्रिवेंशन इक्विपमेंट, थर्ड ऑप्शन है जी परसनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, तो फोर्थ है जी नन ऑफ दीज। हाँ जी, आप दसना से PPE की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होंगी जी परसनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है। SV सैट तो की भाव है, आप दसना है कि SV सैट की फुल फॉर्म की होंगी है। हाँ जी, ये सैट किसी मरीज़ या रोगी को ग्लूकोज चढ़ाने वेले यूज़ किया जाता है। चार ऑप्शन दिते हुए ने, फर्स्ट है स्पेशल वैन सैट, सैकेंड ऑप्शन है जी सुपरफिशियल वैन सैट, थर्ड ऑप्शन है स्काल्प वैन सैट, तो फोर्थ है जी स्पेशल वॉल्यूम सैट। SV सैट की फुल फॉर्म होंगी जी स्काल्प वैन सैट। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। हाँ जी, नैक्सट अपना दिता है क्वेश्चन नंबर 65, एपिस्टेसिस कहा जाता है। हाँ जी, आप दसना है कि एपिस्टेसिस किसनों कहा जाता है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है नक विचों खून आना, सैकेंड ऑप्शन है जी इंटरनल ब्लीडिंग, थर्ड ऑप्शन है बुखार चढ़न, तो फोर्थ है जी चक्कर आने। हाँ जी, जदों किसी व्यक्ति के नक विचों खून आना स्टार्ट हो जाता है तो उसनों साइंटिफिक लैंग्वेज विच एपिस्टेसिस कहा जाता है। ये क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है जी, इसनों तुसी नोट कर लेना है कि एपिस्टेसिस किसनों कहा जाता है, कि जदों किसी व्यक्ति के नक विचों खून आने लग जाता है तो उसनों कहा जाता है एपिस्टेसिस। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 दिता है जी, स्ट्रोक तो तुहाडा की भाव है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी हार्ट डिसऑर्डर, सैकेंड ऑप्शन है ब्रेन डिसऑर्डर, थर्ड ऑप्शन है जी किडनी डिसऑर्डर, तो फोर्थ है जी नन ऑफ दीज। हाँ जी, स्ट्रोक जी टर्म हैगी है ये यूज़ की जाती है जदों ब्रेन डिसऑर्डर हो जाए तो उसके लिए यूज़ किया जाता जी स्ट्रोक। इस तो भाव है सी ब्रेन डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर बी अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, तरल या गैस नाल होने वाले बर्न नूं कहा जाता है। जदों कोई व्यक्ति तरल या गैस के नाल जल जाता है तो उसनों की कहा जाता है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी लिक्विड बर्न, सैकेंड ऑप्शन है गैस बर्न, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, तो फोर्थ है जी स्क्रोल्ड SCOWLED स्क्रोल्ड। तो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी स्क्रोल्ड। जदों कोई व्यक्ति तरल या गैस के नाल जल जाता है तो उसनों कहा जाता है स्क्रोल्ड। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। हाँ जी, अपना नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, इसते मैं स्टार लगा दिना जी। NICU तो की भाव है। सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कि NICU हुंदा की है। एक वार्ड हुंदा जी जिस विच नवें जमे बच्चे की केयर की जाती है। तो चार ऑप्शन दिते हुए ने, आपां दसना है NICU की हुंदा है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिता जी नैशनल इंटेंसिव केयर यूनिट, सैकेंड ऑप्शन है न्यू नैटल इंटेंसिव केयर यूनिट, थर्ड ऑप्शन दिता जी न्यू इंटेंसिव केयर यूनिट, तो फोर है जी नॉर्मल इंटेंसिव केयर यूनिट। तो NICU की फुल फॉर्म होंगी जी न्यू नैटल इंटेंसिव केयर यूनिट, जिथे नवे जमे बच्चों की केयर की जाती है उस रूम को कहा जाता जी न्यू नैटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ऑप्शन नंबर बी अपना
करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 दिता है जी, वैन अंदर पक्का रस्ता बनाने लई केड़ी डिवाइस वरती जाती है। हाँ जी, सब तो पहला क्वेश्चन समझते हैं की कहता है कि जिमें कोई मरीज है जिसते डेली ग्लूकोज या फिर इंजैक्शन लाना पैंदा है, तो उसते आपां डेली तो नहीं सुई ला सकते, तो उसके लिए एक नब्ज़ विच पक्का ही सैट किया जाता है, जिमें कि कोई पाइप वगैरह लाई जाती है जिस दे नाल आपां डेली उसनू ग्लूकोज चढ़ा दिए, इंजैक्शन ला सकते हैं ईजीली कि बार बार उसते दर्द ना हो। तो उसके लिए आपां की डिवाइस यूज़ करते हैं, उस डिवाइस का नाम दसना है। चार ऑप्शन दिते ने, फर्स्ट है जी SV सैट, सैकेंड ऑप्शन है जी कैनूला, थर्ड ऑप्शन है जी IV सैट, तो फोर्थ है जी कैथेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर B कैनूला। उस डिवाइस का नाम है जी कैनूला, जिस दे नाल वेन अंदर पक्का रस्ता बन जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल अपना नैक्सट क्वेश्चन दिता है, क्वेश्चन नंबर 70, पट्टियां ते ड्रेसिंग दौरान वरती जाने वाली कॉटन नूं की कहा जाता है। हाँ जी, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। फर्स्ट ऑप्शन है बायो कॉटन, सैकेंड ऑप्शन है सिंथेटिक कॉटन, थर्ड ऑप्शन दिता जी ऑब्जरवेंट कॉटन, तो फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। हाँ जी, पट्टियां ते ड्रेसिंग दौरान जिहड़ी कॉटन वरती जाती है वह होंदी है जी ऑब्जरवेंट कॉटन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C अपना करैक्ट हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। चमड़ी की उपरी सतह पर टीका लाने लई केड़ी सुई वरती जाती है, तो यह क्वेश्चन भी नोट कर लिया जी, तुसी मोस्ट इंपोर्टेंट है जी। चार ऑप्शन दिते ने, फर्स्ट गए 21 to 23 गोज, हुण गोज ए इनकी इकाई होंदी है जी सुई की। सैकेंड ऑप्शन है जी 15 to 27 गोज, थर्ड ऑप्शन है 25 to 27 गोज, तो फोर्थ है जी कोई भी। हाँ जी, आप दसना सी कि चमड़े की उपरी सतह पर टीका लाने लई केड़ी सुई वरती जाती है, तो वह वरती जाती है जी 25 to 27 गोज। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C अपना करैक्ट हो जाता जी। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 दिता जी, किसी नूं छूए बिना उसका बुखार या तापमान चैक करने वाले थर्मामीटर नूं की कहा जाता है। जी, आप दसना है कि किसी व्यक्ति या रोगी नूं छूए बिना उसका तापमान या उसकी बुखार चैक करने वाले थर्मामीटर नूं की कहा जाता है, जिमें कि हुण करोना काल विच किसी नूं टच किए बिना उसका आपां टैंपरेचर चैक कर लैंदे सी। तो ये चार ऑप्शन दिते हुए, फर्स्ट है जी टचलैस थर्मामीटर, सैकेंड ऑप्शन है डिजिटल थर्मामीटर, थर्ड ऑप्शन है जी कोविड थर्मामीटर, तो फोर्थ है जी इन्फ्रारेड थर्मामीटर। तो इस क्वेश्चन का करैक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर D इन्फ्रारेड थर्मामीटर। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 अपना दिता हुआ है, दर्द घबराहट चिंता आदि बीमारी के देश हैं। जी, आप दसना है कि दर्द घबराहट चिंता आदि बीमारी के देश हैं। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी लक्षण, सैकेंड ऑप्शन दिता है चिन्ह, थर्ड ऑप्शन है जी दोवें A ते B, तो फोर्थ है जी कोई नहीं। हाँ जी, सब तो पहला आपां नूं पता होना चाहिए कि लक्षण कहड़े होंदे ने ते चिन्ह कहड़े होंदे ने। लक्षण वो होंदे ने जिहड़े आपां डॉक्टर नूं जाके दसदे आं कि डॉक्टर पुछदा कि आपां ही कहिंदे आं कि मेरे दर्द हो रहा, घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, तां उह की हो जांदे आ जी लक्षण। ते जेकर डॉक्टर चैक करे तां उह हो जांदे आ जी साइन या फिर चिन्ह, जिन्हां नूं कहिंदा जांदा है। तां क्वेश्चन दित्ता होया दर्द घबराहट ते चिंता, तां इह सारियां की ने जी बीमारी ते लक्षण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट अपना करैक्ट हो जाता है। फिर तो रिपीट कर देने जी, लक्षण ते चिन्ह अलग अलग ने। लक्षण वो होंदे ने जिहड़े आपां डॉक्टर नूं आपां दसदे आ, ते चिन्ह वो होंदे ने जिहड़े डॉक्टर सानूं दसदा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन भी वेरी इंपोर्टेंट है जी, OPD तो की भाव है। चार ऑप्शन ने, फर्स्ट है जी ओपन पेमेंट डिपार्टमेंट, सैकेंड ऑप्शन है जी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, थर्ड ऑप्शन है ओरिजिनल पेशेंट डिपार्टमेंट, तो फोर्थ है जी आउट पेमेंट डिपार्टमेंट। चार ऑप्शन कन्फ्यूज़ करने वाले ने। आपां दसना सी OPD की फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म होंदा जी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, यानी कि वो मरीज जिहड़े कि होस्पिटल तो सीधा दवाई लेके घर चले जाते हैं, उत्थे मतलब कि जिहड़े दाखिल नहीं होंदे उन्हां नूं कहा जाता जी OPD।
आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी हैगा जी, सारे आता होगा। ओ टी तो की भाव है, चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी ओपन थिएटर, सेकंड ऑप्शन है जी ओपन टारगेट, थर्ड ऑप्शन है ओपरेशन थिएटर, तो फोर्थ है जी नन ऑफ दीज। तो ओ टी तो भाव होंगे ओपरेशन थिएटर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाएगा। चलते हैं जी नैक्सट क्वेश्चन वाल। हाँ जी नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किस पदार्थ के बने होंगे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट किस पदार्थ के बने होंगे? चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी आयरन के, सैकेंड ऑप्शन है प्लेटिनम के, थर्ड ऑप्शन है जी ग्रेनाइट के, सॉरी ग्रेफाइट के, तो फोर्थ है स्टेनलैस स्टील के। तो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट बने होंगे ने जी स्टेनलैस स्टील के, जिन्हां ते जंग वगैरह नहीं लगती। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 दिता होया है, जिस रूम विच औरत बच्चे नू जन्म दिंदी है उसनू कहा जाता है? चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी डिलीवरी रूम, सेकंड ऑप्शन है प्रेगनेंसी वार्ड, थर्ड ऑप्शन है लेबर रूम, तो फोर्थ है जी ए सारे। जी जिस रूम विच औरत बच्चे नू जन्म दिंदी है उसनू कहा जाता जी लेबर रूम। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता है। हाँ जी फ्रेंड, जेकर तुहानू वीडियो चंगी लग रही है तो वीडियो नू लाइक करो, तो ज़्यादा तो ज़्यादा वीडियो नू शेयर करो, क्योंकि तुहाडे एक एक लाइक के कारण सानू वीडियो बनाने का हौसला मिलता है। इसलिए वीडियो नू जरूर लाइक करो जेकर तुहानू वीडियो चंगी लगी होवे, हैल्पफुल लगी होवे। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं जी। दवाई दे एक्शन करन दा सब तो तेज़ रूट केड़ा है? जी आपां दसना है कि किहड़े तरीके नाल दवाई सब तो तेजी नाल एक्शन करेगी। फर्स्ट ऑप्शन है जी ओरल, मूँह राही। सैकेंड ऑप्शन है इंट्रावेंस, जिहड़ा कि इंजैक्शन वगैरह लाने आपां वो तरीका। थर्ड ऑप्शन है जी सब लिंगुअल, यानी कि आपां कोई मेडिसिन है वो जीभ दे थल्ले ले लैने आ। तो फोर्थ है जी इन्हां विचों कोई नहीं। तो सब तो तेज़ जिहड़ा रूट है वह है जी सब लिंगुअल, यानी कि जीभ दे थल्ले मेडिसिन रखना वो सब तो तेज़ रूट हुंदा है दवाई दे असर करन दा। ये क्वेश्चन नोट कर लिया जी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जी, एग्जाम विच आउण दे पूरे चांस ने। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। नैक्सट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। नाको NACO दा पूरा नाम दसो। चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी न्यू एग्रीकल्चर कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन, सेकंड ऑप्शन है नेशनल एग्रीकल्चर कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन, थर्ड ऑप्शन दिता है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन, तो फोर्थ है जी नॉर्मल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन। जी नाको की फुल फॉर्म होंगी है जी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गनाइजेशन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाता जी। चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन वाल। क्वेश्चन नंबर 80 दिता है जी, एडवर्ड जीनर ने किस बीमारी लई वैक्सीन बनाया सी? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपोर्टेंट हैगा जी। चार ऑप्शन ने। फर्स्ट है जी एड्स, सेकंड ऑप्शन है चेचक जिन्हों छोटी माता भी कहा जाता है, थर्ड ऑप्शन है जी TB, तो फोर्थ है कैंसर। जी आप दसना है कि एडवर्ड जीनर ने किस बीमारी लई वैक्सीन बनाया सी, तां ओ हैगा सी जी चेचक लई। ऑप्शन बी इसका करैक्ट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन भी इस ही रिलेटिड है कि TB दिवस संसार TB दिवस कदों मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है जी 24 अप्रैल, सेकंड ऑप्शन है 24 मई, थर्ड ऑप्शन है जी 24 मार्च, तो फोर्थ है जी 23 मार्च। जी आप दसना है कि संसार TB दिवस कदों मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता जी 24 मार्च में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी अपना करैक्ट हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन वाल चलते हैं। ल्यूकीमिया तो भाव है, चार ऑप्शन दिए हुए ने। फर्स्ट है जी स्किन कैंसर, सैकेंड ऑप्शन है ब्लड कैंसर, थर्ड ऑप्शन है ब्रेस्ट कैंसर, तो फोर्थ है जी इन विचों कोई नहीं। जी अपना दसना है कि ल्यूकीमिया जिहड़ी टर्म है वह किस दे लई यूज़ की जाती है? ब्लड कैंसर के लिए।
ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਖੂਨ ਦਾ ਥੱਕਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ। ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ, ਥਰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੇ ਅਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਂਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੱਸਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਰੈਂਡ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰੇਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।